क्या हो रहा है, बड़ी खतरनाक फंसी दी जा रही है चबोर की तरफ, और कुछ इल्ज़ाम भी लग रहे हैं आपके ऊपर, जो सच है या झूठ है तो आप ही को ही पता होगा, तो आप से जानना चाहिए। आज तो जो सच है या झूठ है वो आपको देखना पड़ेगा इस शो, ऐसे मैं बताऊंगा तो पूरी कहानी बाहर हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर बहुत शुरू से दिखाया कि एक दोगला इंसान है, सामने कुछ है पीछे कुछ है, तो उसी की कंटिन्यूएशन में खेल रहा है। चकोर के साथ पुराना बैर जो है इसका, तो उसको वन ऑफ मैनशिप जिसको कहते हैं, वो चल रहा है। okay, कुछ वीडियो को लेके बात हो रही थी, क्या किस चीज़ की वीडियो थी? वीडियो ये है कि एक कत्ल करता है और अभी वो चकोर को दिखाता है कि ये कत्ल मैंने किया है, अब जो करना कर, वो जो करने जा रही है तब तक वो वीडियो डिलीट कर देता है, निकाल देता है, तो साया भी उसको, फिर उसको शर्मिंदा भी किया सबके सामने कि ऐसे ही बेफजूल का इल्ज़ाम लगाई जाए, तो उस वो क्या है। तो मतलब उकसाने का मतलब ये था ना कि घर वालों का भरोसा चकोर पे से उठाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और क्या मतलब ट्विस्टिंग टर्न्स हमें देखने मिली, किस तरह का ट्रैक, कितना ड्रामे भरा होने वाला? अभी तो शुरुआत है, रीएंट्री हुई है शो में, तो आगे आगे देखिए, बहुत बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत मज़ेदार, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक यू। आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट इट, व्हेन आई केम इन आई वाज नथिंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट हियर। आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू, अगर कभी किसी का दिल दुखाया हो तो सॉरी, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू उड़ान। आई होप दैट ये शो सालों साल चले, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट यूनिट, और जो लोग आते भी हैं शो में वो भी यही बोलते हैं कि हमारा शो के लोग बहुत अच्छे हैं, एंड सबकी दुआएं हमेशा लगती है। सो आई विश ऑल द बेस्ट आप सबको, एंड थैंक यू। आज लास्ट डे है मीरा का और चकोर का, मीरा एज चकोर का आज लास्ट डे है उड़ान में, और ये दिन तो अभी शुरू हुआ है, एक्चुअली मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, तो येस इट्स माई लास्ट डे, इट हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी, बहुत अच्छे बीते मेरे 3 साल से ज़्यादा वाला वक्त, और जब आई थी तो कुछ नहीं थी, जा रही हूँ तो कुछ लेकर जा रही हूँ, बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ यहाँ से, एंड आई होप कि दिस ये जो शो है ये इसकी यादें और जितना भी वक्त मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है वो हमेशा मेरे लिए एक मेमोरी रहेगी, लाइक द बेस्ट ऑफ द मेमोरीज। वी हैव हैड अमेजिंग ट्रैक्स और hey, I have a producer of the show here. Why should I make you cry? You should be happy. So, come now, please. Please carry on, sorry. No, please come. You've never... Chagurudev Bhalla. Sir, what will you say? Because Chakor se zyada hum unhe Meera ko miss karne wale sab pe. I think ye last day unka hai, but saath saath hamara bhi hai. आपका ये इसका भी लास्ट डे नहीं, आपका भी लास्ट डे नहीं है, ये हमारे साथ ही है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये एक छोटा सा ब्रेक है और ये जल्द वापस आएगी, ये कहीं नहीं जा रही है। या एक छोटा सा ब्रेक है, नथिंग मोर देन अ स्मॉल ब्रेक। यस, ही हैज बीन अ वेरी गुड सपोर्टर फॉर अस, जब व्हेन वी केम इन ही हैज ऑलवेज बीन अ गार्डियन फॉर अस, एंड so he always has this teddy bear hugs also that I'll miss. You will not miss anything, kai ki ja nahi raha main to bol raha hu ye break hai for the little break. Are khatam ho gaya, khatam ho gaya aise bhi samay se, matlab ye to bahut bada ye hai proof hai aapke samne ki tissue papers khatam hai kamre. it's a very beautiful journey jo meera ne kiya hai pichle 3 saalon mein, jab ye aayi thi pehli baar maine inse kaha tha ki hamare bachchon ne bahut acha kaam kiya hai और अब ये ज़िम्मेदारी इनके कंधों पे है और वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी वो वक्त बताएगा, इनकी मेहनत बताएगी, तो मैंने सबको ऐसे कहा था, तो इन्होंने उससे कहीं ज़्यादा किया है, दे डिड, इन्होंने एक बोलते हैं दिल से काम किया है, इन्होंने मन से काम नहीं किया है, इन्होंने अपनी मतलब सब कुछ दे दिया है, जो किसी भी एंटरटेनमेंट बिजनेस का एक असूल होता है कि आप सब कुछ दे दो फिर ऑडियंस के ऊपर है वो लाइक करते हैं नहीं लाइक करते हैं, प्यार देते हैं नहीं देते हैं।
उड़ान को मिलती थी, लाइक अभी भले ऊपर नीचे हुआ हो, बट विजेंद्र और अमीरा के टाइम पे जो टीआरपी हो रही थी, हम टीआरपी पे बाइट्स करने आते थे। इन्होंने बहुत कमाल का काम किया था कि टीआरपी इज अ बाय प्रोडक्ट, वो बाद में आता है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो काम की वजह से लोगों का प्यार मिला इनको। सो इट्स द लव ऑफ द व्यूअर व्हिच हैज कन्वर्टेड टू टीआरपी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना है कि देखिए अच्छा कंटेंट जहाँ भी आएगा जब भी आएगा वो चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी नीयत अच्छी है, हम 4.5 साल से शो को चला रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, तो टाइम स्लॉट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। और ऐसे कई बार शोज हुए हैं, पास्ट में भी हुए हैं, दूसरे चैनल्स पे भी हुआ है। कलर्स में ये इम्पैक्ट पहला था कि उन्होंने कहा था कि कभी भी कोई शो स्लॉट चेंज के बाद नहीं चला है, तो हमने चैलेंज लिया। हमें चैलेंज लेना पसंद है, जो दूसरे नहीं कर पाते वो हमने किया। इनफैक्ट उड़ान जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब हम शुरू कर रहे थे तो लोगों ने बोला था बंधुआगिरी होती नहीं है, अब 2014 में बंधुआगिरी दिखा रहे हैं, ये तो 70 और 80 में होता था, तो हमने एज अ चैलेंज लिया। सो इट्स एक्साइटिंग टू टेक अप चैलेंजेस। उसी तरह से आई डोंट थिंक स्लॉट का फ़र्क पड़ा है, हम स्लॉट लीडर रहे भी हैं, अभी भी हम नंबर 2 पे हैं और बहुत कम डिफरेंस है फ्रॉम द कंपटीशन चैनल, एंड वेरी सून वील बी स्लॉट लीडर। तो वो मुझे यू नो आई डोंट थिंक आई लाइक टू से दैट कि स्लॉट की वजह से कुछ रेटिंग में फ़र्क पड़ा है। हम अपनी पूरी शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से काम करेंगे, तो वी विल बी द नंबर 1 शो ऑफ द GEC सेक्टर, नॉट ओनली द स्लॉट लीडर। थैंक यू सर। लास्टली क्या कहेंगे? कहीं नहीं जा रही, आप जाते आते हैं, कहीं नहीं जा रही, हमारे साथ ही हमारी कंपनी में है, और उड़ान में भी शायद आप इसको दोबारा वापस देखेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्विस्टेड टर्म्स। Yes, so that's how we should stay optimistic and positive. And I hope ki aap log you'll keep giving love that you've always been giving. And yes, thank you. ऐसे कर देना, उठा उठा, हाँ उठा, इधर कर, ये टेबल लगा ला, इधर लगा, ऊपर में क्या चलेगा, ये टेबल लेने के लिए पिक्चर जो है, कैसे पैर से मारा तुमने? अलग गए तुरंत, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो गया, नहीं जाऊंगी मैं, फर्स्ट अप्रैल का है, नहीं इतना बिग थैंक यू फॉर द लास्ट 3 इयर्स, द एफर्ट दैट यू पुट इन, इट इज फिनोमिनल, वी रियली वैल्यू यू अ लॉट, एंड लाइक आई सेड दिस इज अ ब्रेक, दिस इज नॉट अ टर्मिनेशन ऑफ एनी काइंड, सो जस्ट अ स्मॉल सेलिब्रेशन, स्मॉल टोकन फ्रॉम आवर साइड टू यू टू शो आवर लव एंड अफेक्शन फॉर यू। थैंक यू, प्लीज डू द ऑनर्स। I would like to say something. Yes, before I started. When I came in, I was nothing, and I've learned a lot here. आप सबको बहुत बड़ा thank you. अगर कभी किसी का दिल दुखाया हो तो sorry. And I wish all the best to Udaan. I hope that ये show सालों साल चले. यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट यूनिट, और जो लोग आते भी हैं शो में वो भी यही बोलते हैं कि हमारा शो के लोग बहुत अच्छे हैं, एंड सबकी दुआएं हमेशा लगती है, सो आई विश ऑल द बेस्ट आप सबको, एंड थैंक यू।
first let me hear. First let me hear. You deserve it. You love cakes, sure. So you must eat the full piece. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. अरे ये भूखे उनके साथ जाना चाहिए घर पे Rameshji, sabko cake de do.